राशन डीलर की नियुक्ति को लेकर बैठक में हुआ हंगामा। मथुरा छाता बरसाना थाना के अंतर्गत गांव पिसावा में राशन डीलर की नियुक्ति को लेकर हो रही खुली बैठक में हुआ हंगामा और फेंकी गई कुर्सियां। प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी मौन व चुप्पी साध रहा। गांव पिसावा राशन डीलर की नियुक्ति जिसमें राशन डीलर पद के लिए ठाकुरी और परमानंद लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें परमानंद के समर्थक में गांव के ज्यादा लोग थे। इसको देखते हुए ठाकुरी पक्ष के लोगों को मंजूर नहीं हुआ और हंगामा करने लगे और पुलिस प्रशासन के सामने ही ठाकुरी पक्ष के लोगों ने कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए वहां से निकल गए। जब वीडियो साहब से वहां पूछा गया तो उन्होंने बताया कि लोगों के पास अपनी कोई ईडी नहीं है और वहां से निकल गए। इकट्ठे हुए सब लोग परमानंद जी हमारे यहाँ कोटा के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ दूसरे पक्ष ने हंगामा कर दिया है और वो कितने लोग उसमें कोटा की खुली बैठक में बोली खड़े हुए थे जी? कितने लोग खड़े हुए थे कोटा की खुली बैठक में? तीन लोग हमारे यहाँ कोटा की बैठक में खड़े हुए थे। एक पक्ष हमारे साथ में हो गया, एक पक्ष अकेला रह गया। वो अपनी दूसरा पक्ष कौन सा सामने खड़ा था? ठाकुरी। तो क्या प्रक्रिया रही ये इस सभी लोग पूरे गांव वासी एकत्रित हुए, वीडियो सेक्रेटरी आए, क्या प्रक्रिया रही, कैसे ये चुनाव को डाल दिया गया? ये उन्होंने ये हंगामा के देखते हुए इस चुनाव को पीछे किसने हंगामा कर दिया? ये जो ठाकुरी की पार्टी थी उसने हंगामा कर दिया। किस व्यक्ति के द्वारा? सब लोग इकट्ठे हुए थे उसमें एकदम है की आवाज करते हुए ताली फटकारते हुए, किसी ने कुर्सी फेंकी, किसी ने कुछ किया, किसी ने थप्पड़ दिया, किसी ने। तो क्या वीडियो महोदय के द्वारा क्या कहा गया इस संबंध में कि कब ये अगली खुली बैठक होगी? लोग आधार कार्ड नहीं लेके आए, इस तरह की बात वीडियो ने बताई? हमारे पास आधार कार्ड भी है। तो आपके सभी लोग आपके पक्ष के आधार कार्ड लेके आपने बताया था? हमारे आधार कार्ड है। आपने वीडियो साहब को ये बताया था? हमारे पक्ष के लोग आधार कार्ड लेके आए हैं, फिर भी वीडियो साहब ने मीटिंग जो है निर्धारित कर दी। अच्छा, इस संबंध में वीडियो साहब की क्या भूमिका रही, क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो साहब से मतलब हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने एक पक्ष का जो है समर्थन किया है। देखो फोटो चल रही है, वीडियो साहब जी पिसावा में आज राशन डीलर की खुली बैठक थी, उसमें क्या कहना है आपका? पिसावा में ग्राम सभा खुली बैठक हो रही थी, होने जा रही थी, राशन विक्रेता की चल रही थी, वहाँ पर पूर्व सूचना के आज बैठक लगाई गई थी, उसमें मैं भी प्रतिभाग करने गया था। वहाँ पहले से गांव के लोग मौजूद थे और हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे थे, दस्तक वगैरह करा रहे थे। इसी बीच में क्योंकि जनता ज़्यादा थी, लोगों द्वारा वहाँ हंगामा किया गया। तो कितने लोगों का आवेदन खुली बैठक के लिए आया? अभी तो हस्ताक्षर का कार्य चल रहा था, आवेदन आने से पूर्व ही वो भगदड़ हुई जो है। तो किस पक्ष के द्वारा भगदड़ में ये की गई? वहाँ पहचानना ये मुश्किल था कि कौन सा पक्ष है, क्या है इसकी स्थिति में। वहाँ जो है जानमाल का खतरा हो सकता था, उस दृष्टि को रखते हुए हालांकि पुलिस प्रशासन मौजूद था लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे हमें निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती, कहीं हादसा कोई हो जाता, इसलिए बैठक को स्थगित करते हुए अगली बैठक में निर्धारित करूँगा आगे उस पर जो है कार्रवाई की। अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है? अभी फिलहाल नहीं की गई क्योंकि आज कई प्रकरण है, तो अभी एकदम जो है अभी निर्णय नहीं लिया वहाँ से निरस्त करते हुए। जैसा वहाँ सुनने में आ रहा है कि दो पक्ष परमानंद और ठगी पक्ष के लोग दो पक्ष वहाँ मौजूद थे, परमानंद पक्ष की संख्या ज़्यादा थी, उसके समर्थन में लोगों की ठगी पक्ष द्वारा इस तरह का माहौल बनाया गया, उस विचार बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है कौन सा पक्ष कौन था। पूर्व से लोग इकट्ठे हो गए हैं जबकि जो टाइम था बैठक का, बैठक में अधिकारी पहुँचने के बाद, पुलिस बल पहुँचने के बाद जो वोटर होता है उसको जो है अंदर आना चाहिए। ऑलरेडी वहाँ से पहले से मौजूद थे, इतनी संख्या में ज़्यादा लोग थे कि अगर हम कोई कार्रवाई करते तो निश्चित तौर पर वहाँ जो है जानहानि हो सकती। सुनने में आ रहा है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लेकर बैठक स्थगित की गई कि आज लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं थे, जबकि वहाँ लोगों ने दिखाया कि हम आधार कार्ड और वोटर कार्ड पहले से लेके आए, उसके बावजूद भी वीडियो सामने बैठक को नष्ट कर दिया। नहीं नहीं, ये कारण नहीं है। एक्चुअली वहाँ जनक वो व्यक्ति ज़्यादा होने के कारण और भगदड़ हुई, हमें ये लगा कि कहीं आज हम बैठक जो है अगर करेंगे तो जानहानि हो सकती है,
आगे बैठक के लिए हमने निर्देश किया है कि जब भी हम अगली बैठक लगाएंगे तो उसमें पहचान पत्र के रूप में कोई भी दस्तावेज वोटर लाएगा, तभी वो जो है उसमें भाग ले सकेगा। मथुरा से टॉप न्यूज संवाददाता आरपी सिंह की रिपोर्ट।